मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई 4500 करोड़ रुपए के काम आज हमारे एमएलए साहब लेकर आए हैं, और आप ऐसी जय बोलोगे ऐसा नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान भगवान खुबा जी, श्री केश सिवन गोड़ा नायक जी, अरे ताली बजाओ भाई, श्री राजा अमरेश्वर जी, डॉक्टर एस शिवराज पाटिल विधायक जी, श्री मनप्पा डी वल्लभ जी, श्री कोला शेषगिरी राव जी, और आज इस रायचूर की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं श्री मार्कंडेश्वर मंदिर, सिद्ध रामेश्वर मंदिर और कोपुर नरसिम्हा मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रायचूर मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अनेक प्रसिद्ध मंदिर ये रायचूर के अंदर है। इस सभी प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज रायचूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने 4500 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये सारे काम अकेले रायपुर जिले के हैं। यहां पर जेजेएम के तहत 14 से गांव और 7 शहरों के पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ढेर सारे कृष्ण भाग्य जल निगम के काम है, पीडब्ल्यूडी के 105 काम है, कर्नाटक सड़क विकास एजेंसी के 19 काम है। कुल मिलाकर 236 काम और 5000 करोड़ रुपए के काम आज दिए हैं हमारे सांसद और विधायक के लिए। जोर से ताली बजाकर आप इसका स्वागत करिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को बताने आया हूं, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अच्छी सरकार दे सकती है, मानते हैं क्या? मित्रों, कांग्रेस ने जहां जहां सरकारें बनाई वहां घपले घोटाले भ्रष्टाचार का काम करा है। एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को अपना एटीएम समझती है। एटीएम कार्ड डालो, पैसा निकालो और दिल्ली भेजो। कर्नाटक का तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज रायपुर की जनता को कहने आया हूं, गत चुनाव में आपने 104 सीटें देकर येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। मगर ये कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठा हो गए, सबसे कम सीटें जेडीएस को मिली, 30-35 सीटों में कुमार स्वामी कांग्रेस की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बन गए। ये गलती को रिपीट नहीं करना है,
इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर्नाटक की जनता ने करना है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें स्थान की इकोनॉमी से बढ़कर 5वें स्थान की इकोनॉमी बन गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देशों में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। स्टार्टअप की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। रिन्यूएबल एनर्जी में चौथे नंबर पर पहुंच गए। और मोदी जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का तय किया है। रायचूर वालों, मुझे बताओ, कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? कांग्रेस का शासन था, हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाते थे। सरकार कुछ नहीं बोलती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में उरी और पुलवामा का बदला मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध बनाना है तो केवल और केवल मोदी जी बना सकते हैं। इस देश को सुरक्षित बनाना है तो केवल और केवल मोदी जी बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा। 10 करोड़ घरों में शौचालय टॉयलेट बनाया। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाई। गरीब के घर के अंदर 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से फ्री कर दिया। रायचूर वालों, मुझे बताओ, कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए हैं ना? कोरोना का वैक्सीन किस किस को लगाए, हाथ ऊपर करो तो जरा। सबको लगा है ना? एक पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित बनाकर भारत को सुरक्षित बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति मास 5 किलो अनाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं और एक कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती। मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना को 5300 करोड़ रुपया दिया, ऊपरी कृष्णा योजना को 5000 करोड़ दिया, महादाई मुद्दे का समाधान किया और ढेर सारे काम आज यहां पर भी कर रहे हैं। मैं आज बताने आया हूं, अभी बसवराज बोम्मई की सरकार ने इस राज्य के अंदर माइनॉरिटी के लिए 4% का रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन उन्होंने हटाकर 2% वोकलिगा को दिया और 2% रिजर्वेशन उन्होंने लिंगायत को देकर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ एससी लेफ्ट के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, लंबानी भोवी कोरचा कोरमा के लिए
4.5% और एससी के अन्य लोगों के लिए 1% कर सबको न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये कर्नाटक के इस हिस्से को कांग्रेस हैदराबाद कर्नाटक कहती थी। क्यों? क्योंकि यहां निजाम का राज था एक जमाने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे येदुरप्पा जी ने इसको हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक का नाम देकर सम्मान करने का काम किया। इस बजट में कल्याण कर्नाटक के कल्याण के लिए 5,000 करोड़ रुपया हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मित्रों, ढेर सारे काम रायचूर जिले के लिए भी आज ही यहां पर हुए हैं। इसके अलावे रायपुर जिले में लगभग गंगा कल्याण योजना के सिंचाई सुविधाओं से 1115 करोड़ रुपया दिया। रायचूर के दो अन्य जिलों में 3 लाख से अधिक किसानों को लेफ्ट बैंक नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर योजना से सिंचाई मिलेगी। रायपुर की रेलवे लाइन की स्थापना फंड शेयरिंग 50-50% से गिनी गेरा रायचूर रेलवे लाइन की स्थापना की। 12,500 करोड़ से 325 किलोमीटर लंबे बेलगावी हांगड़ रायचूर एक्सप्रेसवे को शुरू किया। इसके साथ रायचूर जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण चालू कर दिया गया है। रायपुर में अब एयरपोर्ट भी बन जाएगा। 2021 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। रायपुर में IIIT की स्थापना की और मोदी जी ने झींगे के निर्यात शुल्क में कमी लाकर झींगा पालन करने वाले किसानों को भी ढेर सारा फायदा पहुंचाया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर सकती। राहुल जी के नेतृत्व में सब जगह कांग्रेस सरकार समाप्त होने को आई है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 इलेक्शन हुए। तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी राज्य में 5 से ज्यादा सीटें नहीं आई, जबकि तीन जगह एनडीए की सरकार बन गई है। मित्रों, एनडीए की सरकार बन गई है, ये देश का ट्रेंड है। देश मोदी जी के साथ आगे जाना चाहता है। मैं रायपुर के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाने आया हूं, रायपुर की सभी सीटों पर कमल खिलाइए। रायपुर जिले का सर्वांगीण विकास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताइए, रायपुर की सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? यहां पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। न्यूज़ फर्स्ट प्रतीक्षा।